सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी कार्य अगर वो करने जा रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए कुछ समय होना चाहिए। जैसे कि आप रात में सूर्य देखने की कोशिश करेंगे तो रात में सूर्य नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब हम कभी यज्ञ करने जाते हैं, हवन करते हैं, उस दिन विचार कर लेना चाहिए कि उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है या कि नहीं। जिस दिन पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है उस दिन हवन करना श्रेयस्कर होता है। जिस दिन अग्नि का वास आकाश में होता है उस दिन भी आप हवन नहीं कर सकते। पाताल में वास होने पर भी आप हवन नहीं कर सकते। केवल और केवल जब पृथ्वी पर वास होता है तभी आप हवन करेंगे। यह पौराणिक मान्यता है कि आकाश, पाताल और पृथ्वी ये तीन लोग हैं, तो अग्निदेव का वास क्रमशः बदलता रहता है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को समझने वाले लोग अध्यात्म विद्या और पौराणिक चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। आप देखिएगा कि कितना भी कोई बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग कर ले उसके पीछे वो ईश्वर का धन्यवाद जरूर करता है कि ईश्वर की कृपा से मेरा ये प्रयोग सफल हुआ। भारत के पहले हार्ट सर्जन ने, जिन्होंने कि पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था, सफल प्रत्यारोपण किया था, कई साल पहले की बात है, उनसे पूछा गया कि ये आप सफलता का श्रेय किसको देते हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि ईश्वर की कृपा से मैं इस कार्य को करने में सफल रहा हूँ, अर्थात ईश्वरीय अनुकंपा अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखती है। तो आज मैं आप लोगों को, एक दिन मैंने राहु काल के संबंध में बताया था कि दिन में कई बार, एक हफ्ते में कई बार राहु काल का दिन बदलता है, टाइम बदलता है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि चौघड़िया क्या होता है। तो पूरे 24 घंटे में चौघड़िया कई बार बदलता है। तो पहले हर राजा के पास एक शगुनी हुआ करता था जो शगुन विचारता था, ब्राह्मण होता था। आल्हा के जो लोग प्रशंसक हैं, जो लोग आल्हा को सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन्होंने यह जरूर सुना होगा कि महोबा में आल्हा उदल की सेना में एक ढेवा नाम के वीर थे। हालांकि वो ब्राह्मण थे और वो वीर थे, साथ में वो शगुन विचारते थे। तो जब भी कोई आक्रमण करने का या युद्ध करने का या किसी कार्य को करने की बात होती थी तो ये महान वीर आल्हा उदल, इंदल, मलखान, ये जितने भी लोग होते थे, ढेवा की सलाह जरूर लेते थे। वो शगुन विचार के बोलते थे कि देखिए अमुक दिशा में योगिनी है, आपके सामने पड़ रही है, आज मत करिएगा। योगिनी बाएं हो या पीछे हो तो कार्य सफल होता है, योगिनी सामने होती है कार्य सफल नहीं होता है, उस दिन कार्य को रोक देना चाहिए। तो प्राचीन परंपरा रही है किसी भी कार्य को करने के पहले ग्रह युति का विचार कर लें। किसी कार्य को करने के पहले देख लें कि कहीं राहु काल तो नहीं है। किसी कार्य को करने के पहले एक मुहूर्त देख लें, मुहूर्त ज्योतिष भी होती है, उसमें चौघड़ियों का भी महत्व है। अब देखिए दिन में चौघड़ियाँ, पहले इस वीडियो में मैं दिन की चौघड़ियाँ बताता हूँ, अगले वीडियो में रात की चौघड़ियाँ बताऊँगा। जो लोग साधना करना चाहते हैं वह लोग साधना को चौघड़ियों के हिसाब से करें। जितनी भी सात्विक अच्छी साधनाएं हैं
वो चौघड़ियों को देख करके की जानी चाहिए। अब आपको दिन के चौघड़िये बताता हूँ। तो रविवार, रविवार को सुबह प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक उद्वेग नाम का ये चौघड़िया पड़ती है, उद्वेग। तो ऐसे समय में ये उद्वेग में बिल्कुल कोई काम शुरू ना करें। अब 7:30 से 9 बजे तक चल इस नाम का चौघड़िया पड़ता है, और 9 बजे के बाद 10:30 बजे तक लाभ आता है। तो इस लाभ के मुहूर्त में आप कोई भी कार्य को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में 10:30 से 12 बजे तक अमृत, और 12:00 से 1:30 बजे तक काल। तो काल योग में तो बिल्कुल भी कोई कार्य शुरू न करें। इसके बाद 1:30 से 3 बजे तक आता है शुभ, और 3 से 4:30 बजे तक रोग। रोग में भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 4:30 से 6 बजे तक फिर उद्वेग आ जाता है, इस समय भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये तो रविवार का हो गया। अब सोमवार का मुहूर्त कैसा रहेगा? प्रातः 6:00 से 7:30 बजे तक अमृत योग रहता है, 7:30 बजे से 9 बजे तक काल रहता है, और 9:00 से 10:30 बजे तक शुभ रहता है, और 10:30 बजे से 12 बजे तक रोग रहता है, 12:00 से 1:30 बजे तक उद्वेग रहेगा, और 1:30 से 3 बजे तक चल रहेगा, 3:00 से 4:30 बजे तक लाभ रहेगा, 4:30 से 6 बजे तक अमृत रहेगा। अब मंगलवार, मंगलवार को 6:00 से 7:30 बजे तक रोग रहेगा, 7:30 बजे से 9 बजे तक उद्वेग रहेगा, इसके बाद में 9:00 से 10:30 बजे तक चल रहेगा, और 10:30 बजे से 12 बजे तक लाभ रहेगा, 12:00 से 1:30 बजे तक अमृत, 1:30 बजे से 3 बजे तक काल, 3:00 से 4:30 बजे तक शुभ, 4:30 बजे से 6 बजे तक रोग। अब बुधवार का चौघड़िया, 6:00 से 7:30 बजे सवेरे तक लाभ रहेगा, 7:30 बजे से 9 बजे तक अमृत रहेगा, इसके बाद 9:00 से 10:30 बजे तक काल रहेगा, इसके बाद में 10:30 बजे से 12 बजे तक शुभ रहेगा, 12:00 से 1:30 बजे तक रोग रहेगा, और 1:30 बजे से 3 बजे तक उद्वेग रहेगा, 3:00 से 4:30 बजे तक चल रहेगा, 4:30 बजे से 6 बजे तक लाभ रहेगा। अब गुरुवार के चौघड़िया, 6:00 से 7:30 बजे सवेरे तक शुभ रहेगा, 7:30 से 9 तक रोग रहेगा, 9 से 10:30 तक उद्वेग रहेगा, और 10:30 से 12 तक चल रहेगा, इसके बाद 12:00 से 1:30 बजे तक लाभ रहेगा, और 1:30 बजे से 3 बजे तक अमृत काल रहेगा, और 3:00 से 4:30 बजे तक काल रहेगा, 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक शुभ रहेगा। अब शुक्रवार के चौघड़िये, 6:00 सवेरे से 7:30 बजे तक चल रहेगा, इसके बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक लाभ रहेगा, 9:00 से 10:30 बजे तक अमृत रहेगा, और 10:30 बजे से 12 बजे तक काल रहेगा, इसके बाद 12:00 से 1:30 बजे तक शुभ रहेगा, और 1:30 बजे से 3 बजे तक रोग रहेगा, 3:00 से 4:30 बजे तक उद्वेग रहेगा, और 4:30 बजे से 6 बजे तक चल रहेगा। अब शनिवार का, तो शनिवार को सुबह 6:00 से 7:30 बजे तक काल रहेगा, और इसके बाद में 7:30 बजे से 9 बजे तक शुभ रहेगा, और 9:00 से 10:30 बजे तक रोग रहेगा, और 10:30 बजे से 12 बजे तक उद्वेग रहेगा, और 12:00 बजे से 1:30 बजे तक चल रहेगा, 1:30 बजे से 3 बजे तक लाभ रहेगा,
3 बजे से 4:30 बजे तक अमृत रहेगा, 4:30 बजे से 6 बजे तक काल रहेगा। तो ये दिन के चौघड़िये मैंने आपको बताया। अब इनमें जो स्टैंडर्ड समय बताया है मैंने, जिसके यहाँ स्थानिक काल इस स्टैंडर्ड समय से जितना कम ज़्यादा हो उस हिसाब से इसकी गणना करना चाहिए। अपने यहाँ के समाचार पत्रों में या अपने यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनसे पूछ करके ये पता लगा लेना चाहिए कि इस काल में हमारे यहाँ का स्थानिक समय क्या है, उस हिसाब से ये लागू होंगे और ख़त्म भी होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग साधना में तत्पर हों और जो बुरा काल है उसको बचा करके करें। और जैसे चल, लाभ, अमृत है ना, इस प्रकार के जो योग आते हैं ये अच्छे होते हैं, इनमें ही कोई काम को शुरू करें। राहु काल तो बिल्कुल परित्याग करें। तो इस प्रकार से जब आप साधना करते हैं तो उस साधना का लाभ मिलता है। अब जैसे आप किसी साधना को करने रोज़ बैठते हैं और साधना में ये होता है कि एक ही समय पर बैठा जाता है, जैसे रोज़ आप 9 बजे रात को बैठते हैं तो 9 बजे रात को ही बैठेंगे। अब आप कहेंगे कि 7 दिन में एक बार तो वह बुरा काल एक बार से अधिक भी आएगा, तब क्या करें? तो जिस दिन पहले दिन साधना शुरू करें उस दिन का आप ये देखें कि कौन सा काल चल रहा है। इसी के अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, सिद्धि योग इत्यादि होते हैं, उनमें भी काम करने से पूर्ण सफलता सुनिश्चित होती है। तो इस प्रकार से आप काल का निर्णय करें और अपने जीवन में जैसे कहीं बाहर जाते भी हैं, बाहर जाने की तैयारी में हैं तो भी इस काल का ध्यान रखें कि कार्य सफल हो, तो इन कालों को देख करके ही चलें। योगिनी का विचार जरूर कर लें। और अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रात के चौघड़िये। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय आध्यात्मिक ज्ञान, हरिओम।